मॉर्निंग दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत हो गई है। ये नया दिन है, नया व्लॉग है और नई सीरीज है। इस टाइम हम मौजूद हैं जयपुर में, और जयपुर हमें आए हुए हो गए तकरीबन तकरीबन अभी बताता हूँ एग्जैक्ट। जयपुर हमें आए हुए हो गए हैं तकरीबन 12 दिन, और हम 12 दिन से जयपुर में कर के आ रहे हैं। बेसिकली हम आए किसी अपने पर्सनल काम के लिए, लेकिन हम जयपुर को एक्सप्लोर जरूर करेंगे। छोटी छोटी क्लिप्स मैं आपके लिए डाल भी रहा हूँ, वो सब बातें होती रहेंगी। कैसे मैं आया वो आपको बता भी दूंगा। इससे जो व्लॉग आएगा वो या तो शायद इस व्लॉग के बाद में आएगा, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट व्लॉग होने वाला है। और हम जा रहे हैं कवर करने के लिए वर्ल्ड फेमस पुष्कर होली, रंगों का त्योहार। और इस बार राजस्थान सरकार ने वहां पे चलाया हुआ है फेमस फेस्टिवल भी, जो पिछले 2 दिन से चालू है। आज उसका लास्ट डे है और आज है 7 मार्च। कुछ जगहों पे अपने इंडिया में जो होली फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा है वो 8 तारीख को हो रहा है, और राजस्थान में जो सेलिब्रेट हो रहा है वो 7 तारीख को हो रहा है। तो हम जा रहे हैं उसी को कवर करने के लिए, और हम जा रहे हैं पुष्कर जयपुर से, जो तकरीबन होने वाला है 140 किलोमीटर। बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि मैंने कभी सेलिब्रेट वहाँ पे किया नहीं, मैं वहाँ कभी गया नहीं, तो मेरे को पता भी नहीं बट कैसा है। लेकिन मैंने वीडियोज में देखा और लोगों से सुना है कि वहाँ की होली एक नंबर। एक जो लठमार होली होती है वो अपने वृंदावन में होती है, वृंदावन की होली बड़ी फेमस है। कभी उसे भी कवर करने का मौका मिलेगा तो कवर करेंगे, लेकिन इस भी जा रहे हैं जयपुर, और हमारे साथ जा रहा है शाहरुख। शाहरुख वहीं का पुष्कर का लोकल है, बट उसका घर वहाँ से तकरीबन 40-50 किलोमीटर दूर है, तो उसी घर जाएंगे नहीं। और इस बार राइडिंग गियर नहीं पहनेंगे, बिकॉज होली का फेस्टिवल, कलर का फेस्टिवल है। अब राइडिंग गियर थोड़ा सा आपको पता है मुश्किल हो जाएगा मेंटेन करना, और होटल वगैरह मिलने वाला है नहीं। तो सब कुछ हो गया अपना रेडी, गोप्रो लग गया हेलमेट के ऊपर, छोटा सा बैग लेके जा रहे हैं, उसमें एक जोड़ी कपड़े हैं छोटे से, बिकॉज कलर का फेस्टिवल थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो रखने पड़ते हैं भाई। तो गली अपने देखो बिल्कुल सुनसान हो रखी है, कोई इस टाइम बाहर नहीं है, लेकिन हम बाहर हैं आपके लिए और आप भी हमारे साथ हो बाहर। उम्मीद है आपको ये व्लॉग मस्त और ज़बरदस्त होने वाला। शाहरुख भी आ गया, शाहरुख का अपने को आ गया फ़ोन, और हम अब सीधा निकल रहे हैं, और चलो सीधा मिलते हैं गोप्रो पे। अभी देखते हैं किधर खड़ा है शाहरुख। और भाई रोड आगे से पार करके आना पड़ेगा, यहाँ से भी जा सकते हैं ना। चलो अभी तो ट्रैफिक नहीं है, इधर से निकल जाते हैं, थोड़ा सा रॉन्ग हो जाएगा बट कोई नहीं। देखते हैं कहाँ खड़ा है, लोकेशन तो यहीं की दी है। तो शाहरुख भी आ गया, और ही गाड़ी शाहरुख चला रहा है, एक्सपल्स लाया है, पता नहीं कौन सी लाया है, बट उसके पास एक्सपल्स ही है तो एक्सपल्स ही लाया होगा। देखो वो रहा, वो रोड के उस पार है, हम रोड के इस पार हैं, दोनों साथ साथ हैं। अब आगे देख के क्या प्लान बनता है, क्या प्रोग्राम बनता है, अभी बात करते हैं खड़े होकर साथ में, और आपको ही मिलवाते हैं। हाँ जी, अच्छा हाँ। तुम मुझसे 1.5 किलोमीटर थे तो सीधा यही रूट है ना, स्टेट अजमेर तक। रुक जाओ जरा, साइड करो पहले गाड़ी। ठीक है, अपन चले वहां चलते, पहले पुष्कर चलते। तो गाइस अभी डिसाइड हुआ, पहले जाएंगे पुष्कर और फिर वापसी में आएंगे अजमेर। तो मिलो अपने शाहरुख भाई से, ये अपने शाहरुख भाई आज अपने साथ राइड कर रहे हैं, ये चलाते हैं भाई हीरो एक्सपल्स, बड़े लोग हैं, बड़ी बात, सिद्धू मूसेवाला के फैन है, लीजेंड। ये बात जरूर सही है, ये बात जरूर सही है ना। चलो लेट्स गो। और एक बार मैं यार इस बार कैमरे का एंगल पहले चेक करता हूँ, बिकॉज पिछले कुछ वीडियो से कैमरे का एंगल खराब आ रहा है। खराब तो नहीं आ रहा, मतलब आधी बाइक कवर हो रही है, बट अभी मैं पहले चेक करता हूँ। लेट्स गो, जर्नी को कर दिया स्टार्ट। एग्जैक्ट टाइम हुआ है 5:25। एक ब्रेक लेंगे किशनगढ़ में, जाइए करेंगे ब्रेकफास्ट, और एंगल वगैरह सब सेट हो गया। उम्मीद है एंगल सही सेट हो गया होगा, बिकॉज पिछले कुछ वीडियो में ना गाड़ी हाफ पूरा टैंक ही कवर हो पा रहा है, हो रहा है। अब देखते हैं क्या बनता है, कैसे बनता है। थोड़ा सा गाड़ी खींचते हैं, नहीं खींचते पहले शाहरुख के साथ, फिर ट्यूनिंग बिठाते हैं, क्योंकि शाहरुख के साथ कर रहे हैं पहली बार राइड, पहले थोड़ी सी ट्यूनिंग बिठाएंगे, क्योंकि मैंने भी इस बार राइडिंग गियर पहने नहीं है, तो थोड़ा सा सेफ्टी, ये सब तो चलता रहेगा यार। बट एक बात मैं आपको बोलता हूँ, उम्मीद है कि आप लोग ज़बरदस्त होंगे, मज़ा आ रहा होगा यार, मौज चलती रहनी चाहिए।
जिंदगी में रखा ही क्या है भाई, सिर्फ और सिर्फ मौज। तो मौज चलती रहनी चाहिए, मौज चलेगी तभी तो मजा आएगा, तभी तो हम चलेंगे। तो एक ही बात कहता हूँ, टिल नाउ जर्नी जस्ट वाओ। भाई गाड़ी भाग रही है दबा के, रात में भी 80-90-100, और चांद देखो भाई कितना ही खूबसूरत लग रहा है यार, 14वीं का चांद है शायद पूरा, तो कितना जबरदस्त लग रहा है मेरे भाई। पता नहीं कैप्चर हो रहा है GoPro में, नहीं हो रहा है, बट हो रहा है ना, तो अगर हो रहा है तो जबरदस्त हो रहा है मेरे भाई। लिटरली यार इतना मनमोहक लग रहा है ना, बहुत जबरदस्त, सुपर, जैसे कहते हैं ना भाई, जबरदस्त लग रहा है। अच्छी खासी रोशनी होगी अभी फिलहाल, क्योंकि हमने लिया था एक टी ब्रेक, टी चाय वगैरह पी, क्योंकि इस टाइम में क्या होता है ना, जब सुबह के 6 बज रहे होते हैं तो थोड़ा सा ट्रक ड्राइवर ज़्यादा हो जाते हैं, और ये गाड़ी भगाते भी है उल्टी सीधी, तो थोड़ा सा उस चीज़ का ध्यान रखना होता है। इस वजह से लिया था एक छोटा सा टी ब्रेक भी, मैंने कहा थोड़ा सा दिन भी निकल जाएगा, चांद रोशनी हो जाएगी थोड़ी सी। अभी मौसम भी बढ़िया हो रहा है, रोशनी भी हो गई है, इजीली सब कुछ दिख भी रहा है और आपको हम दिखा भी रहे हैं। तो बट एक ही बात बनती है भाई, टिल नाउ जर्नी जस्ट वाओ। तो भैया पहुंच गए हैं किशनगढ़। भाई ये बीच में कहाँ टहल रहे हैं भैया, साइड में टहल रहे कहीं। तो भैया पहुंच गए किशनगढ़, ये है किशनगढ़ का खूबसूरत सा नजारा। किशनगढ़ भाई अगेन, इससे पहले हम आए थे किशनगढ़, उस टाइम पर रुके थे जब हम जा रहे थे माउंट आबू। अगर आपने माउंट आबू वाली सीरीज नहीं देखी है तो ऊपर आई कमेंट में मैंने लिंक कर दिया, वहाँ लिंक को क्लिक करके आप उस सीरीज को देख सकते हैं। किशनगढ़ में हमने ऑलमोस्ट पूरा दिन स्पेंड किया था, यहाँ का डंप यार्ड वगैरह बड़ा ही फेमस है, वो भी हमने एक्सप्लोर किया था वहाँ पे। आप लोगों के लिए एक्सप्लोरिंग चलती रहती है भाई, और चलती भी रहनी चाहिए, टिल नाउ जर्नी जस्ट वाओ। इतना खूबसूरत व्यू लग रहा है, सुबह के बज रहे 7:10 यानी कि 7:10, और सूरज की धीमी धीमी रोशनी, सुनहरी सुनहरी रोशनी इन पहाड़ों के ऊपर पड़ रही है, और ये पहाड़ लग रहे हैं बहुत खूबसूरत। पता नहीं GoPro कैसा इस व्यू को कैप्चर कर रहा है नहीं कर रहा है, बट रियल में मतलब एक अलग ही फील है भाई। एक कहते हैं ना नज़ारे जिसका दिल से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, दिल से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा, पर इतना खूबसूरत नज़ारा है, कैप्चर भी कर रहा हूँ, GoPro में दिख रहा है नहीं दिख रहा है वो मुझे अभी बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, बट ये है कि भाई सुबह की धीमी धीमी रोशनी में ना बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये व्यू। और हम ले लेंगे यहाँ से राइट, और पुष्कर तकरीबन रह गया है 24 किलोमीटर। थोड़ा सा टर्न कर लेते हैं तो अजमेर आ गए, वेलकम टू अजमेर। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की नगरी अजमेर में आपका स्वागत है। तो भाई हम पहुंच गए अजमेर, और पुष्कर यहां से है राइट में, वो है तकरीबन 24 किलोमीटर। अभी शाहरुख कुछ कह रहा है, शायद कोई दिक्कत है, पता करता हूँ, रुकते हैं थोड़ा सा। अभी मुड़ गए अपन पुष्कर के लिए, पुष्कर रह गए हैं से 21-22 किलोमीटर ओनली। ये है बाईपास जो अजमेर के बाहर बाहर से जाता है, अजमेर के अंदर जाएंगे तो अजमेर चले जाएंगे, लेकिन ये अजमेर के बाहर बाहर से हम फिलहाल तो वैसे अजमेर में चल रहे हैं, बट बाहर बाहर आउटर साइड पे चल रहे हैं, तो यहाँ बाहर बाहर से सीधा निकल जाएंगे हम पुष्कर। नज़ारे देख रहे हो कितना खूबसूरत लग रहा है भाई, ये पूरे का पूरा रोड ज़बरदस्त है, जो अजमेर से पुष्कर वाला है ना, पूरे का पूरा रोड ऐसा है मतलब ज़बरदस्त मोटरेबल रोड है भाई, ज़बरदस्त। बाइकिंग का अपना अलग ही मज़ा आ रहा है, देखो सामने तक, और कहीं कहीं कर्व ऐसे आते हैं ना, ओए होए एक नंबर भाई, अपना डायलॉग है एक नंबर गजब।
जबरदस्त भाई जबरदस्त। और सामने पहाड़, रेत के पहाड़, क्या ही हसीन लग रहा है। मतलब इस रोड पे बाइक चलाने का मजा अलग आ रहा है, बिल्कुल अलग, बिल्कुल डिफरेंट, एक अलग ही फीलिंग है। आई थिंक पुष्कर पहुंचने वाले हैं। हाँ, पुष्कर में एंट्री हो गई है, श्री राम घाट बूढ़ा पुष्कर अजमेर। सो वेलकम टू पुष्कर। पुष्कर में होगी अपनी एंट्री। ये भी कोई तीर्थ स्थान है यहाँ पे, बूढ़ा पुष्कर करके। हम आ गए हैं बहुत जल्दी, अभी तकरीबन आठ ही पूरे नहीं बजे और अभी फेस्टिवल मतलब सेलिब्रेशन शुरू हुआ नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा हो गया। इसी पूरे एरिया में है जो होली का सेलिब्रेशन होता है। यही है वो मेला ग्राउंड जहाँ यहाँ का फेमस सेलिब्रेशन होता है। और दूर दूर से लोग आए हैं, गाड़ियों के नंबर से पता चल रहा है, जो गाड़ियों की नंबर प्लेट है, रजिस्ट्रेशन प्लेट, अलग अलग सिटीज, अलग अलग स्टेट, इस पूरे एरिया में होती है होली सेलिब्रेट। बहुत ज़बरदस्त, मतलब उसका अलग ही लेवल होता है। ऐसे ही एक हुआ का राउंड ले रहे हैं पुष्कर का मॉर्निंग में। अभी जा रहे हैं हम पुष्कर लेक की तरफ, थोड़ी देर वहाँ चल के बैठेंगे पुष्कर लेक पे और उसके बाद आएंगे अंदर सिटी में। तब तक सेलिब्रेशन भी पूरी तरह शुरू हो चुका होगा। पुष्कर की गलियों में होली के वक्त पर गाड़ी चलाते हुए और हम जा रहे हैं सीधा लेक की तरफ। पहले अर्ली मॉर्निंग में लेक को एक्सप्लोर कर लेंगे और फिर तब तक होली फेस्टिवल भी पूरे अपने रंग में आ जाएगा, फिर उसके बाद उसको कवर करेंगे। लेकिन भीड़ भीड़ धीरे धीरे बढ़ रही है, लोग बहुत दूर दूर से आए हुए हैं, बहुत दूर दूर से, क्योंकि गाड़ी के नंबर प्लेट्स और फॉरनर बहुत आते हैं यहाँ होली को सेलिब्रेट करने के लिए। काफ़ी फॉरनर आते हैं। अभी पहुंचे हैं सरोवर और इसके चारों तरफ घाट बने हुए हैं, बहुत खूबसूरत लग रहा है। आपको एक बार नज़ारा दिखाता हूँ, ये देखो बीचों बीच बना हुआ है, चारों तरफ इसके मंदिर भी हैं और घर भी हैं और घाट भी है। थोड़ा सा सुकून है यहाँ। खूबसूरत से ऊँट सजे हुए, ऊँट गाड़ी बहुत है इधर पुष्कर में, ऊँट गाड़ी बहुत है क्योंकि ये इसे ट्रेवलिंग भी कराते हैं, फॉरनर आते हैं ना, तो उन लोग वो लोग जो दूर दूर से आते हैं वो लोग भी यहाँ, ये माल ढोने के काम नहीं आती पुष्कर में, स्पेशली ये काम आती है लोगों को घुमाने के। देते हैं पार्क, ये है पार्किंग। क्योंकि फिर उसके बाद एक्सप्लोर करना थोड़ा इजी हो जाएगा। अब पता नहीं पेड़ है या नहीं, इस पर लिखा हुआ था पार्किंग, जैसा भी होगा। तो कर दिए धन्नो को पार्क।